हे गाइस, बात कर रहे हैं यहाँ पर कृतिका सेंगर के बारे में। कृतिका सेंगर की बात करें तो काफ़ी टाइम से टीवी पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं। लगातार जो उनके फैंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं, और आपको बता दें उनके फैंस को कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ सकती है इस साल। जी हाँ, 2024 में कमबैक करती हुई नज़र आ सकती हैं कृतिका सेंगर। कृतिका सेंगर की बात करें तो उनको लास्टली अगर देखा जाए तो उनका प्रॉपर डेली शो देखने को मिला था, कसम तेरे प्यार की शो। जी हाँ, ये उनका लास्ट डेली शो था। उसके बाद से वो कैमियो रोल प्ले करती हुई तो देखने को मिली छोटी सरदारनी में, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो लीड रोल में नज़र आती रही हैं, प्रॉपर उन पर बेस्ड शो, इस तरीके का शो उनका केवल कसम तेरे प्यार की शो था। उसके बाद से वो कहीं देखने को नहीं मिली। सो फैंस जो हैं इतने लंबे टाइम से उनको लेकर डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबरें से निकल कर सामने आ रही हैं, उससे उम्मीद करी जा रही है कि कृतिका सेंगर जो अब आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देती हुई नज़र आ सकती हैं, मतलब अपने फैंस के लिए गुड न्यूज़ लेकर आने वाली हैं, कमबैक करने वाली हैं। अभी ये टीवी पर्दे के ज़रिए कमबैक होने वाला है या फिर OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा, क्योंकि अभी क्लियर कुछ नहीं है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई नहीं है, मेकर्स की तरफ से बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। वैसे आने वाले वक्त में पता चलेगा ये खबरें हैं या फिर रूमर्स हैं, पर जिस तरीके से बातें चल रही हैं उससे उम्मीद यही करी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी कृतिका सेंगर को लेकर बातें चल रही थी। स्टार भारत पर उनका न्यू प्रोजेक्ट आने वाला था, प्रोजेक्ट डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ, कुछ क्लियर नहीं हो पाया, यही वजह रही कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करी और आपको उनका प्रोजेक्ट देखने को मिला नहीं है। सो उम्मीद कहीं ना कहीं ज़्यादा इस बात को लेकर है कि वो OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही कमबैक करने वाली हैं, यानी फ़र्स्ट टाइम वो कमबैक तो करेंगी ही, और फर्स्ट टाइम वो OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए देखने को मिलेंगी। सो कैसे भी देखने को मिले, फैंस के लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि वो देखने को मिल सकती हैं। अब हो सकता है वो अपने पॉपुलर कैरेक्टर में नज़र आने वाली हो, मतलब ZTV पर पुनर्विवाह शो के अंदर देखने को मिली थी आरती के कैरेक्टर में, तो आरती और यश की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। हो सकता है शो का सीज़न 3 जो है यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा हो, जिस वजह से OTT प्लेटफॉर्म के जरिए ZTV के बहुत सारे शो आप लोग को देखने को मिले होंगे, तो उनमें से एक शो ये भी हो, अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।